Hi everyone. In next 4 to 5 minutes, I'm going to tell you a very high level plan for your FM preparation for the upcoming phase 2 of RBI. अगर आपने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा FM में तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लें समझ कर यू कैन स्टिल टारगेट 70 to 80 मार्क्स इन दिस एग्जाम. और ये प्लान बता रहा हूँ, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है तो उसका ध्यान रखिएगा. सबसे पहले आई स्टार्ट विद मैनेजमेंट. देखिए, मैनेजमेंट इज अ वेरी स्कोरिंग कॉम्पोनेंट. I would not hesitate to say that you can even score 45 out of 50 in management. But 40 is something which is very, you know, indispensable for you. इतना आपको score ही करना पड़ेगा. तो हमें सारे chapters पढ़ के जाने हैं. बहुत ही generic chapters हैं यार, मतलब आप आराम से पढ़ सकते हो. Questions भी simple ही आते हैं. तो सारे chapters पढ़ के जाने हैं. MCQs बहुत practice करने हैं, especially case study based. क्योंकि 3-4 MCQs जो मुश्किल आएंगे ना, अगर हमने वो कर दिए then we will have an edge. और टाइम कम है तो जो सिलेबस में थ्योरीज हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो. स्पेशली इन योर चैप्टर्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ. डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे. देर इज़ नो नीड टू पैनिक. आराम से प्रैक्टिस करते रहिए. बट वन एडिशनल थिंग दैट यू नीड टू डू, यू प्लीज़ लर्न सम क्वालिटी एग्जाम्पल्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर. जैसे अभी E&Y में आपने देखा के जो वर्क कल्चर था या वर्कलोड था वो सही नहीं था, किसी की एम्प्लॉय की डेथ हो गई. सो इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट व्हिच आर रियल इन योर आंसर्स. अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे लिख रहे हैं ऐसा एग्जांपल लिखिए, देन श्योरली द एग्जामिनर विल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट नो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. यू कैन रिलेट द थ्योरी विद द एक्चुअल थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. अभी मैं फाइनेंस पे आता हूँ. फाइनेंस में सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से न्यूमेरिकल आ नहीं रहे हैं, और अगर आ रहे हैं बहुत बेसिक आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड. तो ये अजम्पशन है 99% तो सही होनी चाहिए, 1% गलत होने के चांस हैं. बट इफ़ वी आर स्टार्टिंग नाउ, इफ़ वी आर ऑलरेडी लेट, देन वी डोंट हैव ऑप्शन. हमें ये एज्यूम करना ही पड़ेगा. तो ज़्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स मत कीजिए. जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर मैं ऑब्जेक्टिव के एंगल से बोलूं तो वो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, रेशोज़ है, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, ठीक है, डेरिवेटिव्स है, फिस्कल पॉलिसी है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. आप ये चैप्टर आप कर लीजिएगा. इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं आई डोंट थिंक दे आर मच रेलिवेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव, दो यू शैल स्टिल रीड देम, बट मेनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. That is by giving them a very high level reading. Finance current affairs एक important portion है. उसमें आप लिख लीजिए आपको क्या क्या करना है. RBI notifications करनी है पिछले 5 से 6 महीने की. SEBI की कोई important regulation है in the stock market जो news में रही हो पिछले 5 महीने में, वो पढ़ लीजिएगा. उसके अलावा जो reports हैं, मैं आपको 4-5 reports बताऊँगा, ये आपको पढ़ के जाना है. RBI annual report पहली, दूसरी currency and finance report, तीसरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. ये 4 रिपोर्ट्स होगी, और अपना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट भाई यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. ये 6 आपने पढ़ के जाने हैं. इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं. और डिस्क्रिप्टिव के लिए ये पढ़ के जानी है रिपोर्ट्स, अगेन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एंगल जो मैंने अभी आपको बताया है. और डिस्क्रिप्टिव में या तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर इन रिपोर्ट्स में से आ सकते हैं, वो भी आप लिख लेंगे अगर आपने ये रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, या फिर थोड़े से और करंट अफेयर्स बेस्ड आ सकते हैं. उसके लिए आई वुड रिकमेंड यू टू रीड एडिटोरियल्स. पिछले 2-3 महीने में जो हॉट टॉपिक्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनसे आप एडिटोरियल पढ़ के यू कैन गेन लॉट ऑफ नॉलेज. उससे सारा पता लग जाता है कि क्या इशू था, उसका क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे. यू कैन गेट टू नो A to Z अबाउट दैट टॉपिक, एंड देन यू कैन ईजिली राइट योर आंसर्स इन योर एग्जाम. तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट आई वॉन्ट यू टू फॉलो. इसमें मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर बच्चे को समझ नहीं आती. तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना वेन एवर यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर FM फॉर RBI, ठीक है. एक एक वर्ड जो मैंने बोला है, बहुत जल्दी बना दी है वीडियो, बट उस एक एक वर्ड के पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. इसको ध्यान से इंप्लीमेंट कीजिएगा. अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, प्लान मैं दे रहा हूँ बट एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है. जय हिंद.